हाय गाइस, वेरी गुड इवनिंग, वेरी एंड ब्यूटीफुल गुड इवनिंग। मैं वेलकम करता हूं आप सबका वंस अगेन माय यूट्यूब चैनल। चैनल नेम इज मनी इज एवरीथिंग। फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए। गाइस, सबसे पहले बात करते हैं इंडियन मार्केट की। इंडियन मार्केट में ऐसा सेशन देखने को मिला जहां पर मार्केट एक टाइम पर 180 पॉइंट प्लस में था, लेकिन ऑप्शंस, जी हां, कॉल का प्रीमियम उतनी तेजी से इंक्रीज नहीं हुआ जितनी तेजी से पुट का प्रीमियम डिक्रीज हुआ। तो ये सब आपको कैसे सीखने को मिलेगा, कैसे समझ में आएगा कि आज प्रीमियम ईटिंग हो सकता है, ये आपको चार्ट बिल्कुल नहीं बताएगा। चार्ट आपको ट्रेड दिखाएगा, आप ट्रेड लेंगे, ट्रेड आप लेने के बाद मार्केट आपके फेवर में जाएगा, फेवर में जाने के बाद भी, लेकिन जो आपने प्रीमियम बाय किया है वो प्रीमियम इंक्रीज नहीं होगा। गाइज, ये आपको कौन अंडरस्टैंड कराएगा, ये चार्ट नहीं बताएगा। ये बताएगा आपको वो एक्सपीरियंस जो बहुत डीपली है, जो यूनिक एक्सपीरियंस होने का दावा करता है बार बार स्टॉक मार्केट में, और टाइम से ना जाने कितनी बार बताया आपको कि आज ऑप्शन बायर का दिन नहीं है, कल ऑप्शन बायर का दिन नहीं है। यही डिफरेंट थिंग हमें अलग करती है बाकी यूट्यूबर से, बाकी एनालिस्ट से। किसी को भी उठाकर देखिए, आपके जिनको आप फॉलो करते हैं वो कभी भी ये नहीं बोलते कि एज ए ऑप्शन बायर कल आपका दिन नहीं होगा, एज ए ऑप्शन बायर कल आपको एंटर नहीं करना है। आप किसी भी पेड चैनल को आपने ज्वाइन किया हुआ है, किसी भी पेड रिसर्च एजेंसी, रिसर्च कंपनीज को ज्वाइन किया हुआ है, वो आपको डेली कॉल जनरेट करके देते हैं एज ए बायर। ऑप्शन बायर के लिए डेली कॉल आता है वहां से, अननेसेसरी आता है, चाहे आपके फेवर में जाए या ना जाए, उनको इससे मतलब नहीं होता। और आप भी ना जाने कितनी बार ऐसे स्कैम में फंस चुके होंगे जहां पर आपका मोटा पैसा, मोटे चार्जेस उस एनालिस्ट को, उस यूट्यूबर को, उस रिसर्च एजेंसी को गया होगा, लेकिन बदले में आपको क्या मिला होगा, बदले में लॉसेस मिले होंगे और डेली ट्रेड मिला होगा। गाइस, डेली ट्रेड मिला होगा। अंडरस्टैंड कीजिए, आप अपने आप से क्वेश्चन पूछिए, क्या मार्केट डेली बायर की होती है? आंसर होगा नहीं। क्या मार्केट डेली सेलर की होती है? नहीं। ये आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए, आप जो 10 साल के एक्सपीरियंस होने का दावा रखता हूं, मैं बार बार बात करता हूं, वो एक्सपीरियंस ही इस कंडीशन में, इस सिचुएशन में आके मुझे रियलाइज कराता है कि क्या होने वाला है। बात करता हूं पहले निफ्टी की। निफ्टी क्लोज हुआ है 152 पॉइंट्स प्लस में, जो करंट मार्केट प्राइस है वो 22,666। गाइस, मार्केट पर हम जब से बुलिश हैं, जब पूरी दुनिया बियरिश थी, मैं बार बार बोलूंगा, बार बार इस बात को दोहराऊंगा और बार बार कहूंगा, हाँ, हमारा प्रेडिक्शन बिल्कुल सही गया, क्योंकि हर कोई निगेटिव था, हर कोई यूट्यूबर निगेटिव था, हर टीवी चैनल एनालिस्ट, टीवी एंकर या रिसर्च कंपनी, हर कोई निगेटिविटी की बात कर रहा था, लेकिन हम एक ऐसा यूनिक एक्सपीरियंस रखते थे जिसने लास्ट 15 डेज से एक बार भी नहीं बोला कि हम मार्केट पर बियरिश हैं। हमने कंटिन्यू कहा कि मार्केट बाय ऑन डिप है, मार्केट स्ट्रॉन्ग है, मार्केट नहीं गिर रहा, मार्केट इग्नोर कर रहा है डाउ की गिरावट को। हमने उस टाइम वीडियो भी बनाई कि मैं डाउ की गिरावट देखकर बिल्कुल भी भयभीत या बिल्कुल भी डरा हुआ नहीं हूं, मुझे डाउ की गिरावट से कोई मतलब नहीं है। गाइस, 1500 पॉइंट डाउन हुआ डाउ, ऊपर से 40,000 के आसपास से, और ये 40,000 का टारगेट भी हमने ही आपको दिया था बिफोर 2 मंथ्स। जी हाँ, पुरानी वीडियोस जाकर देखिए, जब 36,000 चल रहा था डाउ, हमने उसमें क्लियरली बोला था कि ब्रेकआउट आने वाला है डाउ में, और डाउ 38,000 जाएगा, 39,000 जाएगा और 40,000 जाएगा। अगर आपने वीडियोस नहीं देखी, जाके चेक कीजिए वीडियोस, जो मैं बोल रहा हूं वो उस टाइम पर बोला था जब दुनिया डरी हुई थी, जब हर कोई एनालिस्ट डरा हुआ था, जब आपको हर कोई डरा रहा था। मैं ज्यादा बड़ी बात नहीं करता हूं, मैं लास्ट वीक की बात करता हूं, जब डाउ गिरा 1500 पॉइंट ऊपर से, जब जब 400 पॉइंट गिरा, हर किसी एनालिस्ट ने या किसी भी यूट्यूबर ने या हर एंकर ने आपको डराया कि भयभीत किया कि यहां से बहुत बड़ी गिरावट आने वाली है, लेकिन एक बार भी हमने नहीं कहा। यहां तक हमने ये कहा कि हम न्यूट्रल हो सकते हैं आज के दिन के लिए, हमें सेशन देखना पड़ेगा कि क्लोजिंग आती है, और जो हमारा व्यू था वही हुआ। निफ्टी ने लाइफ टाइम हाई ब्रेक किया, बैंक निफ्टी ने लाइफ टाइम हाई ब्रेक किया, और बैंक निफ्टी पर हम बुलिश थे पिछले 10 डेज से फुल्ली बुलिश थे बैंक निफ्टी पे। आप जाके वीडियो देखियो, जो हमारे कंटिन्यू फॉलोवर है, जो हमारी फैमिली है, उनको पहले से ही पता है बहुत टाइम से कि हम बैंक निफ्टी पे फुल्ली बुलिश थे, कि बैंक निफ्टी
का लाइफ टाइम हाई ब्रेक होगा और वो बहुत जल्दी होगा, और वही होने को देखने को मिला। बार बार यहां पर एनालिस्ट परफेक्ट होता है, बार बार जो हमने व्यू शेयर किया वो 99% का रेशियो चल रहा है अभी तक। अगर गाइज आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, जाके ज्वाइन कीजिए और कॉन्फिडेंस दिखाइए, बिलीव सिस्टम को फॉलो कीजिए, क्योंकि टाइम से आपके पास कॉल्स आएगी, टाइम से आपको एंट्री मिलेगी, टाइम से आपको एग्जिट मिलेगा। गाइज हमने अपने टेलीग्राम चैनल में लास्ट 15 डेज में हमने 7 to 8 trades शेयर किए हैं, सिर्फ 7 or 8, और आप बिलीव नहीं करेंगे 7 trades हमारे सक्सेसफुल हुए हैं। सिर्फ एक में हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ, लेकिन स्टॉप लॉस भी ट्रिगर नहीं हुआ, हमारी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग मार्केट गया लेकिन हम पहले एग्जिट कर गए, लेकिन उसकी भरपाई भी कुछ हद तक हम कर चुके हैं और बहुत जल्दी कर लेंगे। अगर आपको पैसा बनाना है, मार्केट में कमाना है पैसा, तो जुड़िए हमारे साथ, कॉन्फिडेंस दिखाइए, बिलीव सिस्टम को फॉलो कीजिए और एक मौका जरूर दीजिए, क्योंकि कल के लिए मैं कुछ डिफरेंट बात करने वाला हूं, वो डिस्कस करेंगे हम आगे। बैंक निफ्टी 88 पॉइंट प्लस में बंद हुआ है, 48,581, और इसने भी लाइफ टाइम हाई बनाया आज। दूसरा बात करते हैं इंडिया विक्स की, 11.01, ये 2.38% इंक्रीज हुआ, जो कि होना भी चाहिए था क्योंकि काफी डाउन हो चुका था आज ये। दूसरी बात करता हूं फिन निफ्टी की, 47 पॉइंट प्लस में 21,604, और आईटी सेक्टर की बात करता हूं, आईटी में हल्की सी फिर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, माइनस में 183.35,064, और इंफोसिस कंपनी का आ रहा है रिजल्ट 12th ऑफ अप्रैल को आ रहा है TCS का रिजल्ट। गाइस मैं वो स्ट्रेटेजी शेयर करने वाला हूं आपके साथ में कि आपको बिलीव नहीं होगा कि ऐसे भी पैसा बन सकता है, क्या ऐसे हो सकता था, क्यों हमने पहले टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया, क्यों हम इस चैनल से पहले क्यों नहीं जुड़े, आप क्वेश्चन ये रेज करेंगे, ये मेरी कमिटमेंट होगी। और मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूं कल एक ऐसा ट्रेड जो मल्टीपल होगा जैकपॉट में, जी हाँ फिर कमिटमेंट कर रहा हूं, कल एक ऐसा ट्रेड बनने जा रहा है, कल नहीं ही या तो मैक्सिमम परसों यानी कि वेडनेसडे या ट्यूसडे में, दिन दोनों दिन में आपको एक ऐसा ट्रेड मिलने वाला है जो मल्टीपल होगा, अमाउंट जैकपॉट की बात नहीं कर रहा हूं, सुपर जैकपॉट बनेगा वो ट्रेड, उसे आपको मिस नहीं करना है। एनी हाउ गाइज मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, मैं कल या परसों यानी कि ट्यूसडे और वेडनेसडे में एक ऐसा ट्रेड जनरेट करने जा रहा हूं जो आपके लिए मल्टीपल होगा, और उसमें आपके प्रॉफिट होने के चांसेस बहुत ज्यादा हाई होंगे और लॉस होने के चांसेस बहुत मिनिमम होंगे। और दूसरी बात, उस पोजीशन को बनाने के बाद ना आपका बीपी हाई होगा ना लो होगा, बिलीव मी गाइस, ना आप टेंशन में रहेंगे, आप रिलैक्स फील करेंगे, ऐसा ट्रेड में लेने जा रहा हूं क्योंकि उसकी कंडीशन बनती जा रही है दिन पे दिन, और उसे हमें मिस नहीं करना है, अगर नहीं ज्वाइन किया है टेलीग्राम, जाइए और ज्वाइन कीजिए, और जिन लोगों ने टेलीग्राम ज्वाइन किया हुआ है उनसे मेरी रिक्वेस्ट है एक बार फिर, आप भरोसा करते हैं ना मुझ पर, आप ट्रस्ट करते हैं ना मुझ पर, मुझे पैसे चाहिए आपके अकाउंट में कल भी और परसों भी, ट्यूसडे वेडनेसडे दो दिन में मैं आपको वो ट्रेड देने वाला हूं जो अभी तक की साइकोलॉजी आपकी थिंकिंग मेरे बारे में बहुत डिफरेंट लेवल पे लेके जाएगा। मुझे कोई एप्रिसिएशन या मोटिवेशन आपकी तरफ से नहीं चाहिए, पॉजिटिव कमेंट नहीं चाहिए गाइस, मेरा पर्पस सिर्फ ये है कि आपका पैसा बनना चाहिए एंड ऑफ द डे। अगर ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कीजिए। दूसरी अब बात करते हैं ग्लोबल मार्केट की, ग्लोबल मार्केट में डाओ अभी प्लस में है 70 पॉइंट, ठीक है, एक टाइम पे जब इंडियन मार्केट क्लोज हुआ ये माइनस में था या फ्लैट टू पॉजिटिव था। दूसरा S&P 500 5215 पॉइंट प्लस में है, और नेस्डेक प्लस में है 52 54 पॉइंट प्लस में है 18,163। क्रूड ऑयल की बात करते हैं 91 के नीचे है, ये अभी तक हम मैनेज कर पा रहे हैं उसको किसी तरह से, फिर भी मार्केट इन सबको इग्नोर करने लगा है। डॉलर एंड INR की बात करता हूं 83.28, और डॉलर इंडेक्स की बात करता हूं 104.03, यहां थोड़ा सा कूल ऑफ हुआ है। बॉन्ड यील्ड्स की बात करते हैं ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, 4.43 अभी चल रहा है। कल के लिए व्यू क्या है उस पर बात करता हूं, जो कॉल मैं आपको देने वाला हूं यूट्यूबर फैमिली के लिए,
सबसे पहले टेलीग्राम फैमिली के लिए गाइस, जिन लोगों ने हमें ज्वाइन किया हुआ उनका थैंक यू सो मच, दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। आपका बिलीफ सिस्टम, आपका कॉन्फिडेंस ही हमें आगे ले जाने पर मजबूर करता है। और स्पेशल थैंक्स अनिल जी, आपका मैसेज जो था फ्राइडे वो मुझे लाइफ टाइम याद रहेगा और उसने मुझे एक बहुत बड़ा मोटिवेशन दिया है। वहां से मैं बहुत मोटिवेट होकर आया हूं और आज भी आपने देखा कैसा हमने ट्रेड जनरेट किया। आप ये मत देखिए कि हमने 60 पॉइंट प्रॉफिट बुक किया या 70 पॉइंट्स का हमने प्रॉफिट बुक किया। हमने बाय कराया बैंक निफ्टी का पुट 418 में और उसको एग्जिट कराया हमने 480 के आसपास, तो उसमें ऑलमोस्ट 52 पॉइंट या 62 पॉइंट के करीब हमें मिला, या मैक्सिमम जो मिला होगा 80 पॉइंट के करीब हम सबने बुक किया। आप इसमें पॉइंट्स मत देखिए, पॉइंट्स कैलकुलेट मत कीजिए कि इतने पॉइंट्स हमें मिले। आप ये कैच कीजिए कि व्यू कितना स्ट्रांग था, मार्केट कैसे एकदम से नीचे आई, क्यों आने वाली थी, उसके पीछे का लॉजिक क्या था, वो सब एक्सपीरियंस था गाइस। वो एकदम से मोमेंटम आया, हमने उसको कैच किया, हमने प्रॉफिट बुक करके निकल गए। आज किसी भी ऑप्शन बायर को बहुत कम चांसेस है किसी को प्रॉफिट हुआ होगा किसी को बैंक निफ्टी में, क्योंकि दोनों साइड का प्रीमियम डीके हुआ और वो भी अच्छा खासा डीके हुआ बैंक निफ्टी में बोथ साइड का प्रीमियम। और थर्सडे हॉलीडे है गाइस, जो एक्सपायरी होने वाली है निफ्टी की वीकली वो इस वेनसडे को होगी और वेनसडे को आपको बैंक निफ्टी की एक्सपायरी मिलने वाली है। आप समझ गए होंगे क्यों मैं डबल जैकपॉट बोल रहा हूं, उसके रीजन उसके पीछे का रीजन यही है। कल और परसों ट्यूसडे और वेनसडे में आपको एक जैकपॉट ट्रेड मिलने वाला है। बात करता हूं कल के सेशन की कल के सेशन के लिए टेलीग्राम फैमिली से मेरी रिक्वेस्ट है, आप बिल्कुल एक्टिव रहें। अगर आप टेलीग्राम यूज कर रहे हैं, जुड़े हुए साथ में, आप एक्टिव रहें। मैं बार बार आपको अपडेट करता हूं क्या वेट कीजिए या इस टाइम आपको ट्रेड लेना है। दूसरी बात, जिन लोगों ने अभी ज्वाइन नहीं किया, जो ज्वाइन नहीं करना चाहते, जो हमसे नफरत रखते हैं, जेलिसी रखते हैं, जो निगेटिव कमेंट करते हैं यूट्यूब फैमिली के लिए, मैं उनको एक ट्रेड सजेस्ट करना चाहता हूं कल के लिए। मेरी यूट्यूब फैमिली से जो ऑप्शन बायर है उनसे बहुत बड़ी रिक्वेस्ट है, आप कल ट्रेड मत लेना गाइज। ऑप्शन बायर कल आप ट्रेड नहीं लेना। जो ऑप्शन बायर हमारे टेलीग्राम ग्रुप में है उनको मोमेंटम ट्रेड मिल जाएगा या फिर वो डबल जैकपॉट वाला ट्रेड मिलेगा अगर कंडीशन बनी तो, लेकिन जो यूट्यूब पर है, जिन्होंने हमारा चैनल नहीं ज्वाइन किया हुआ है, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है बहुत बड़ी कि प्लीज एज ए ऑप्शन बायर कल आपको मार्केट से दूर रहना है। अपना जो भी ट्रेड लें अपने रिस्क पे लें और इसको मिनिमाइज रखें, और बिलीव मी गाइस कल आपको मार्केट से दूर रहना है एज ए ऑप्शन बायर। अगर आपने हमारा टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया हुआ है तो मैं आज आपको वीडियो के थ्रू बता रहा हूं, कंडीशन बनेगी। हमारे टेलीग्राम में भी हमें बताना पड़ा कि एज ए ऑप्शन बायर कल आपको दूर रहना है, तो हम उसमें क्लियरली बताएंगे। अगर बनेगा तो वो मोमेंटम ट्रेड बनेगा, और जिसकी मैं डबल जैकपॉट की ट्रेड की बात कर रहा हूं वो बनेगा 230 के बाद। तो ऐसा ऐसे ऑप्शन बायर यूट्यूब फैमिली आपसे बहुत बड़ी रिक्वेस्ट है, मार्केट से दूर रहना है कल आपको फिर नहीं लेना है और कल आपको नहीं लेना है। तो गाइज ये था पूरा अपडेट मार्केट से रिलेटेड और कॉन्फिडेंस दिखाए हो, थैंक यू सो मच गाइज, बहुत बहुत बड़ा थैंक यू सो मच। हमारी फैमिली एक बार फिर 18,000 क्रॉस कर चुकी है और ये सब आपके प्यार की वजह से हुआ है, आपकी मोहब्बत और आपका कॉन्फिडेंस सर आंखों पर है। हमारे सब्सक्राइबर फिर उस लेवल पे पहुंच चुके हैं और उस लेवल को हमने क्रॉस कर दिया है जो लेवल हमारा टेलीग्राम लॉन्च करने से पहले था। तो थैंक यू सो मच गाइस, ये मेरा कॉन्फिडेंस इंक्रीज कर रहा है डे बाय डे, मुझे मोटिवेट कर रहा है बहुत अच्छा काम करने के लिए। तो लव यू दोस्तों, बाय बाय, मिलता हूं सुबह, जब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।